इंटरनल कॉजेज ऑफ द बिजनेस साइकिल, इंटरनल कॉजेज क्या है कि जिससे आपके मार्केट में डिमांड बढ़ और घट सकते हैं, जिसपे आपका बिजनेस का कौन सा किस साइकिल के पोजीशन में होगा, उसके स्टेप फर्स्ट है फ्लक्चुएशन इफेक्टिव ऑफ द डिमांड। जैसे कोरोना कॉल में ही मार्केट पूरी तरह से डाउन हो गया तो डिमांड एकदम डाउन हुई, सभी बिजनेस अपने रिसीजन या लॉस पोजीशन पे चले गए। फ्लक्चुएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस कंडीशन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। वेरिएशन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लेकिन कोरोना समाप्त होने के बाद गवर्नमेंट के द्वारा 6 लाख एवं करोड़ की पैकेज दी गई जिसके मार्केट बूम कर गई और एक साथ लोगों ने डेवलप्ड किया। मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी, होल लेवल पे इंडिया लेवल पे आपके गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करते हुए बिजनेस सपोर्ट का कार्य करती है जिससे आपका बिजनेस डेवलप करता है। मनी सप्लाई, लोगों के पास अगर अधिक पैसा होगा, अधिक डिपॉजिट होगी, बैंक बैलेंस होगा, परचेजिंग पावर होगी तो मनी का डिमांड हमेशा बढ़ी रहेगी। इन्फ्लेशन जरूर हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल रूप से एक ह्यूमन नेचर यह करता है कि हम अपने बिजनेस को लास्ट लेवल पर बढ़ाना चाहते हैं। कभी कभी साइकोलॉजिकल लेवल से ही लोग उस बिजनेस के प्रति अपना मोह भंग कर लेते हैं, जो इंटरनल कॉज से भी आप बिजनेस को डेवलपमेंट या डाउन पोजिशन पे भी काजेज हो सकते हैं। थैंक यू।